मेरे साथ मौजूद हैं शहीद मलिक। किसी को नहीं पता शहरी का रियल नाम जो है वो शहीद मलिक है, तो आप इसको इज्जत जब देनी हो शहीद बोलें, और जब यूं ही बस गुजारना हो तो शहरी बोल सकते हैं आप इसको। तो हम शहरी से गपशप लगाते हैं, और शहरी की आपको पता है बहुत सी वीडियोस वायरल होती हैं और अक्सर रोना रोती है अपनी शादी का कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, कोई मेरी शादी करा दो, घर वाले मेरी शादी करवा दो, कहीं से रिश्ता आ जाए, अमीर हो लड़का, गरीब भी नहीं चाहिए लड़की को। तो इतने रोने रोती है, इतने रोने रोती है, उसके बाद हमारी वीडियोज़ के नीचे लाइन लग जाती है कॉमेंट्स की कि हम हाज़िर हैं, शहरी का आई डी दे दें प्लीज़, आपके घर कहाँ पर हम रिश्ता भेजना चाहते हैं, तो ये तो वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम शहरी से गपशप लगाते हैं कि वो सीरियस हैं इस मामले को लेके ये नहीं, क्योंकि मैं सुबह ये मेरी बहन से बात कर रही थी कॉल पे, नहीं जीजा जी से सॉरी, तो ये कह रही थी कि अब मैंने शादी लेट करनी है, तो बाकी इनसे ही गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शट अप, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शहरी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? मैं ठीक हूँ। बहुत वायरल हो गई आप शादी वाली बात पे कि एक पाकिस्तान में ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही, और वह सही सलामत अपाहिज नहीं, कोई अल्लाह माफ़ करे मसला नहीं, इंडिया तक बात गई हुई है कि आपकी शादी नहीं हो रही, इंडिया से प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं अब इस बात पे? भाई मैंने नहीं करनी शादी, मैं वैसे ही बस मैंने बोल दिया था कि मैं शादी करूँगी, मैंने नहीं करनी शादी। अब क्यों नहीं करनी? अब ऐसा क्या हुआ, और पहले ऐसा क्या था कि करनी थी? हंसना। मैंने नहीं करनी शादी, इतने रिश्ते, इतने रिश्ते, तौबा, मैं खुद देख के हैरान हो रही थी कि सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। मुझे एक मैसेज आया टिकटॉक पे कि अल्लाह की कसम तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, बस एक दफ़ा मेरे से शादी कर, उसके बाद कहेगा तू कौन मैं कौन। हाँ भाई मैं नहीं करना चाह रही, मैंने आप लोगों को सिर्फ वैसे एक वीडियो की हद तक बोल दिया था मैंने शादी करनी है, मैंने नहीं करनी शादी। अब इस बात को जो है ना ये जानबूझ के ये कवर कर रही है, हालांकि ये बहुत घर पे भी यही बात करती रहती है, तो बताएं झूठ नहीं आप बोल सकते, मिल तो नहीं गया कोई? नहीं मुझे नहीं कोई भी मिला। सही बता दे हैं। कोई भी नहीं मिला। अच्छा शहरी सच्ची बात बता दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैंस इस बात का वेट करें कि हकीकत में जब मैं इंटरव्यूज़ करने होती हूँ मेरे पास लोग आते हैं, आपकी वो बहन नहीं है जिसकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी हो गई, रिश्ता हो गया, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ हमें बताएं। मैं अभी अपना फ़ोन का प्रोटेक्टर चेंज करवाने गई हूँ ऊपर, तो मुझे एक लड़की कहती है आप वही वाली हैं जिसकी शादी नहीं हो रही, मैं कि यार, फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा अब नहीं मैंने शादी करनी, बहुत वायरल हो गई हूँ मैं, लोग मुझे देख के कह देते हैं ये वही वाली है, ये वही वाली है जिसकी शादी नहीं। हाँ तो मुझे अपने बारे में सुनना ये नहीं पसंद, मैंने शादी नहीं करनी अब। अब मैंने मास्क लगा के प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी, अपना शक्ल चेंज कर लेनी मैंने। और फिर तुम किसकी शक्ल लगवाना चाहोगी? कोई भी शक्ल लगवा लूंगी, बस ये शादी वाली लड़की नहीं मैंने बनना, पूरे पाकिस्तान में मशहूर होगी क्योंकि ये वो शादी वाली लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही, दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी होगी और तुम्हारी पहली नहीं हो रही। हाय और भी दुख है जमाने में मोहब्बत किसी में। हाँ सही, मेरे बहन भाई बातें निकालते हैं शायराना, जहाँ पे मेरा शायराना सारा मिजाज ख़त्म होता है उधर से लोग शुरू होते हैं। यस ऐसे ही है, है ना, ऐसे ही है। अच्छा शहरी मुझे बताओ क्या इंडिया से कमेंट्स पढ़े हैं आपने? मैंने सारे पढ़े हैं। क्या कमेंट्स थे? कि आप हमसे शादी कर लें, हम वाकई इंटरेस्टेड हैं, हम आपके घर रिश्ता भेजना चाह रहे हैं, आप वाकई मतलब इस तरह से, मतलब यार कोई इतनी जल्दी किसी के लिए सीरियस कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे आप मान जाते हो कि भाई हाँ मैं शादी कर लूँगा। आज एक इंटरव्यू में मुझे कह रहा था लड़का कि अगर आपने मेरे से शादी ना की तो मैंने मर जाना। भाई क्या, कोई किसी के लिए नहीं मरता, फजूल बातें ऐसे ये शहरी। लेकिन चलो मुझे तो लोग वायरल होने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको तो वीडियो के नीचे आता ना वो डिफरेंट चीज़ होती है। हाँ बिल्कुल भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैंने अब कुंवारी रहना, क्योंकि मैंने बड़ी देर देख लिया है रिश्तों की बात करके, तो कोई सीरियस वाला नहीं आया, तो अब मैंने बस छोड़ दिया। सीरियस वाला कैसा चाहिए आपको? भाई मैं इतनी दफ़ा बता बता के थक चुकी हूँ कि अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, अफोर्ड करने वाला होना चाहिए, नहीं गंजा नहीं होना चाहिए। कैमरा मैन का काम देखो, गंजा अपने जैसा बोल दिया, गंजा होना चाहिए। चेक करो ज़रा इसके काम, चेक करें आप। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो आपको कह देते हैं कि आप बड़ी बहन हैं इन सब की? हाय तौबा, दिल पे छुड़ियाँ चलती हैं मेरे कसम से। मैं हाँ, मेरे तो कज़न्स भी इतने वो हैं कि मतलब हम लोग कहीं पे जा रहे हैं जो हमें नहीं जानता, तो उनसे पूछेंगे जानबूझ के कि इनमें से बड़ी कौन है,
और सब यही कहते हैं कि ये बड़ी है। भाई मैं लगती हूँ बड़ी, इसका मतलब आप लोग मुझे बोलेंगे बड़ी? पहले एज पूछो। एक्सप्रेशंस भी वैसे देती है ना, जैसे ये देखो आंखों को यूं खोल खोल के दिखाएगी मैं बड़ी हूँ ना, मैं बड़ी हूँ इस, तो वो वैसे ही इसकी दो दो किलो की आंखें हैं, वैसे ही बंदा डर जाए। वैसे ही जल गई थी आंखें मेरी, मेरी पलकें खत्म हो गई थी, मेरे आईब्रो खत्म हो गए थे। सुनाओ जरा वो किस्सा सुनाओ, अभी मेरी बहन के ये सारे बाल जल गए थे मुँह के। हाय मेरे साथ इतना गलत हुआ, आप लोगों ने मेरे साथ अफसोस भी नहीं किया। खैर मैं आप लोगों को सुनाती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। सुनाए सुनाए, सुनने आए हैं आपकी बात। हाँ मैं ना गर्मियाँ थी, मतलब जून, पता नहीं कौन सा महीना था, अभी तो जून स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैं एक महीना पहले की बात, हाँ एक महीना हो गया इस बात को। मैं ऊपर गीज़र चलाने के लिए गई हूँ, पहले मैंने अपनी मम्मा को कहा, मम्मा कहती है नहीं खुद जाके चलाओ। मैं गई हूँ गीज़र चलाने के लिए, मैं ना उसको दोनों वो दबाए, वो गैस वाला और वो आग वाला, तो मैंने देखा, मैंने कहा आग नहीं लगी, तो मैं उसका वो ढक्कन खोल के ना मैं सामने से देख रही थी कि आग क्यों नहीं लगी। आग ने भी कहा इधर आ, फिर आग सारी मेरे मुंह के ऊपर और मेरे सारे बाल जल गए हैं। अब तो पूरी नाइजीरिया वाली लग नहीं, अभी तो आगे हैं, अभी तो शुक्र करो आगे हैं। शहरी की ये पलकें गायब हो चुकी थी, शहरी के ये सारे माथे के बाल, ये देखो अभी भी ये हाँ। इस तरह है ना, ये वही है और सारे बाल जो है, ये फिर रोती भी नीचे आई है। और अभी काम वाली, अभी जब हम गए ना तो काम वाली नकली उतार रही थी कि शहरी इस तरह रो रही थी मम्मा के गले लग के ना, कि मैं मर जाने लगी थी। हाँ बहुत मुझे दुख हुआ था। मरना तो है ही हर इंसान ने, मरने से पहले क्या एक काम करके जाना चाहती शादी के अलावा? मैं यही कहने लगी थी शादी करके जाने। अच्छा शहरी मुझे बताएं कि वैसे इंसान ने मर तो जाना है, मरने की बात शुरू हो गई है, तो मरने से पहले क्या एक ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरा करके जाना चाहते हैं? शादी करके मरना चाहते हैं। पहले कहती दो मिनट पहले कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी, और अभी ये कह रही है कि मैंने शादी करनी। भाई मूड चेंज होता रहता है, मेरे तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मैं जा के ले आई गई मजाक, मैं शादी कोई नहीं करनी, फिर उसे गलती आ गई। भाई देखेगी मारी है मुझे, मैं बड़ी हूँ, मैं मार से आपसे ज़्यादा मेरे फैंस हैं। मरने से पहले जो है वो आप शादी करके मरना चाहते हैं? हाँ जी भाई, कोई दुख ना रहे मुझे कि मेरा ये वाला काश पूरा नहीं हुआ। हाँ तो वो काश आपका शादी है? यस सही हो गया। तो हस्बैंड को खुश कैसे? शादी करके अपने बंदे के साथ तुर्की जाना चाहती हूँ मैं। तुर्की जाना चाहते हैं? वैसे हमारे पास एक रिश्ता है। नहीं मैंने नहीं जाना। आप लोगों के बताए रिश्ता में नहीं जाना, मैंने खुद ढूंढ लेना। अच्छा सही है। शेरी कोई इंडिया से अगर रिश्ता आता है तो आप चली जाएंगी शादी करवा के इंडिया? मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही रहूँगी, वो छोड़ के आ जाए अपना देश। अभी तुम अगले महीने मलेशिया क्यों जा रही हो फिर? तो वो तो मैं वैसे जा रही हूँ ना, क्योंकि मैं वहाँ जिसको मौका मिले वो रहता भी नहीं फिर पाकिस्तान। वो तो मैं घूमने फिरने के लिए जा रही हूँ, लेकिन शादी तो मैं पाकिस्तान में ही करूँगी। अगर कोई मलेशिया में पसंद आ जाता है फिर उसको भी पाकिस्तान ही लेके आऊँगी। अच्छा सही हो गया, सही हो गया। तो उसको खाने में क्या बना के देंगी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ आप है जो काम नहीं करती? मैगी। मैगी पे चल रहे रहोगे तुम लोग? हाँ आज एक दिन वो बनाएगा, एक दिन मैं बनाऊंगी, दोनों एक दिन मैगी मैगी मैगी। यस और क्या बनाना आता आपको? चाय भी बना दूंगी। और क्या आता बताओ ना, क्या क्या आता बनाना? मुझे सब कुछ बनाना आता है। जैसे कि पागल शायद बाकी लोगों ने इसको कुछ नहीं आता, सही वाला भी बताओ। नहीं मुझे वाकई खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ, मेरी मामा मोस्टली लाहौर आती हैं कभी कभार, तो मैं ही पीछे से घर संभालती हूँ। लेकिन जब मामा उधर होते हैं तो ये बिल्कुल नहीं कुछ हाथ लगाती। हाँ फिर तो नहीं मैं लगाती, क्योंकि मुझे पता होता कि अब तो हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है। अच्छा शायरी कुछ सुनाएंगे आज हमें आप? गाना शायरी? यस शायरी सुनाऊंगी। शायरी सुनाओ उसके बाद गाना भी सुनाना। गाना भी सुनाऊंगी? पहले शायरी सुनाओ। ओके फिर ऊपर देख के सुनाओ। मुझे नहीं याद होता, मुझे सब लेसन याद होता नहीं, मैं ये सुनाऊँ। ओके वो मिल जाए मुझे तो यूँ समझूंगी गालिब, वो मिल जाए मुझे तो यूँ समझूंगी गालिब, जन्नत का ऐलान हो जैसे किसी गुनाहगार के लिए। किसके लिए है? मेरे अपने लिए, मेरे होने वाले हस्बैंड के लिए। अभी तो शादी से, अभी देखिए मेरी उम्र 20 साल होगी और मैं अभी तक अपने होने वाले हस्बैंड से नहीं मिली हूँ। तो बेटा मेरी आपसे ज्यादा मैं नहीं मिली, तो तुम्हें अपने रोने पड़े हुए। हाँ ना मौका मिले मेरी शादी किसी से करवाने का तो तुम किससे करवाओ? मेरे माइंड में तो बहुत लोग हैं आपसे शादी करवाने के लिए। भाई आप एक दफा हाँ करो, आपके रिश्तों की लाइन लग जानी, इतना तो मुझे पता है, तो करो ना फिर। सुन के हंस रही है? नहीं तो मैं सही बात कर रही हूँ, सज्जल मलक होवे ते रिश्ते ना आन।
आते हैं, हम सीरियस नहीं लेते, हमें लगता है अगला सीरियस नहीं है शायद। भैया आपके लिए तो डायमंड के सेट आते हैं, अंगूठियाँ आती हैं गोल्ड की, तो मैं सोच आज भी एक गोल्ड की रिंग आई हमने नहीं ली, उस दिन डायमंड का सेट आया हमने नहीं लिया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ शादी वादी तो छोड़ो, गिफ्ट तो बंदा रिसीव करे। भाई गिफ्ट देते हैं किसी को हाँ तो बस लेने चाहिए, गिफ्ट रिसीव करने चाहिए, मैं तो गिफ्ट रिसीव करूँगी। अब बड़ी ईद आ रही है तो मैं आप सारे गिफ्ट रिसीव करूँगी, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा महंगे वाले ना देना। नहीं ज़्यादा महंगे भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई गुची कोई प्राडा कुछ एलवी, कोई एलवी हो कोई गुची। एलवी से क्या बनता है, एलवी स्टैंड्स फॉर लुई विटॉन। सीख क्या आई है पहले तो मैं बड़ा गंदा बोलती होती थी। चले शायद वो गाना सुना दे, इसके साथ वाइंड अप करेंगे। गाना सुनना है, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। अब शायरी इतनी रोमांटिक मुझे कर ही दिया शायरी ने, तो मुझे भी एक रोमांटिक गाना आ रहा है, मैं भी वो भी मैं भी सुनाना चाहूँगी अपने किसी चाहने वाले को। 3-2-1 क्या है ना, 3 रोमांटिक स्टाइल में क्या है, 3-2-1 लोटा लोटा बम बम छोटा लोटा बड़ा लोटा हरा लोटा बदोबदी बदोबदी। और आजकल तो माशाल्लाह से उसका गाना, माशाल्लाह मैं पता नहीं क्यों इस बात में बोल रही हूँ। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप लोगों से सवाल करती हूँ, आज मैं करना चाह रही हूँ। अच्छा आपके लिए एक सिचुएशन है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, शादी आपने करनी है, ठीक है, तो आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, आपके पास लास्ट पहला और आखिरी ऑप्शन है चाहत फतेह अली खान साहब, तो आप क्या करेंगी? बेटा चाहत की जगह राहत लगा दे तो फिर भी थोड़ा सा मैं सोच लूँ। नहीं चाहत ही है तो क्या करेंगी आप? तो मेरी सारी चाहतें एक मिनट से पहले पानी में वड़ जाएंगी। दिल का दरिया बह ही गया, जीतेंगे भी जीतेंगे ओहो सर कैसे जीतेंगे, बदो बदी बदो चले सही है, बदो बदी मौका मिले बदो बदी कदी कदी कदी, कल किसे ने नहीं वेखी आज ही मजा लिए आज ही। अच्छा ओके बस बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।